तो देखो, सबसे पहली बात तो हमें ये समझना है कि इस पृथ्वी में जो हम लोग रहते हैं, साइंटिफिकली मैं थोड़ा सा एक दूसरा एंगल आपको समझाता हूँ। शुरू करते हैं एकदम बेसिक से। हमारी पृथ्वी है, गोल है, हम जैसा जानते हैं, इट्स अ सर्कल, राइट? और ये 360 डिग्री घूम रही, और ये पृथ्वी जो है, इस पृथ्वी का अपना एक टाइम जोन है। उस टाइम जोन के ऊपर अभी तक, मतलब जब तक ह्यूमन इस पृथ्वी में जब से आए हैं, तब तक ऋषियों ने जो डेटाबेस बनाया था अपने हिसाब से अपने टाइम पे, ठीक है, वो ये 360 डिग्री का पूरा जो एंगल है उसको देखते हुए, हर एक राशि का ना, आप जब अब हम लोग मैक्सिमम यहाँ पर जितने लोग हैं सब शहर वाले, गांव वाले बहुत कम ही दिखेंगे आप। और शहरों में ना नाइट स्काई नहीं दिखता, क्योंकि प्रकाश ऊर्जा या समझो लाइट्स इतने ज्यादा होते हैं, जिसको हम लोग लाइट पोल्यूशन भी बोलते हैं, कि हमें जो नेचुरल जो आसमान दिखना चाहिए ना तारों वाला, वो नहीं दिख पाता। तो आपको कभी कभार ऐसे नेचर में जहां चाहिए जाना चाहिए जहां पर घुप अंधेरा हो, घुप अंधेरा तो कहते हैं ना, बिल्कुल काली रात, अमावस की रात, अमावस की रात को कभी आप ऐसी जगह पे जाके छत पे देखे ना, तो आपको सेलेस्टियल्स इतने प्यारे लगेंगे और इतने सही लगेंगे। और साथ में अपने गूगल मैप में गूगल निकाल के एक वो किसी भी राशि का स्ट्रक्चर देख लिया, सपोज आपने कन्या राशि लिखा, वर्गो का स्ट्रक्चर कैसा है, स्टार वाला, ठीक है, तो वो स्ट्रक्चर आपको डिग्री के साथ बता देगा। आप लोकेशन में, जिस लोकेशन में खड़े हैं, उस लोकेशन में कौन से एंगल पे वो स्टार दिख रहा है या राशि दिख रही है वो बता देगा। तो आप जब उधर देखेंगे ना, उन तारों को मिला पाएंगे। सबसे पहला ये सबसे पहला काम होता है अगर आप एस्ट्रोलॉजी में जा रहे हैं, तो किताबों को तो आप पढ़ेंगे, सबसे पहले आसमान को देखना होता है, ऊपर क्या चल रहा है, क्योंकि वहीं से सब आएगा, यहाँ पे उधर से यहाँ आने वाला है, ठीक है, मतलब ज्ञान की वर्षा वो आकाश से ही होगी और कहीं से नहीं आने वाला। तो जब हम इन 360 डिग्रीज को समझ लेते हैं कि अब ये 360 डिग्री के अंदर क्या क्या आ रहा है, कौन सी राशि कहाँ पर आ रही है, और उसमें भी प्लैनेट्स हैं, ठीक है, गूगल में फिर से, आज के डेट में टेक्नोलॉजी इतनी अच्छी है, आप फिर से गूगल में सर्च करेंगे कि प्रेजेंट लोकेशन ऑफ जुपिटर, और आप जहाँ खड़े हैं वहां से वो दिखा देगा, इस लैटिट्यूड एल्टीट्यूड के हिसाब से इस एंगल में आपको ये दिखेगा, ठीक है। आप खड़े होकर जुपिटर को भी देख सकते हैं, थोड़ा शाइनी होगा, लेकिन अगर टेलीस्कोप रहा तो साफ दिखेगा जुपिटर, ऐसा। तो इस तरह से हम लोग अभी रिसेंटली 2020-21 की बात करता हूँ, जो जुपिटर का, जब जुपिटर सबसे क्लोजेस्ट पोजिशन पे था पृथ्वी के, तो बहुत सारे यूट्यूब वीडियोज में और दूसरे सोशल मीडिया में भी आप लोगों ने अभी अभी भी सर्च करेंगे, वो वीडियो है टेलीस्कोप से जुपिटर कैसा दिखता है, ठीक है, उसका जो कलर है, जो ऑरेंज कलर हमें दिखता है, वो एक्चुअली तो हबल से टेलीस्कोप का लिया हुआ है, बट नॉर्मल जो टेलीस्कोप से भी ना ऑरेंज का एक बहुत हल्का सा टेंट दिखता है, ठीक है। तो जैसे जैसे आप ग्रहों को, जब तक आप नेकेड आई से अंडरस्टैंड नहीं करेंगे ना, वो विद्या ग्रहण नहीं होगी, वो जो कहते हैं ना आंतरिकता, जो बॉन्डिंग है, वो नहीं आ पाएगा। वो किताब में देखो, अभी इतने सारे मेरे पास तो दुनिया भर की किताब, एक किताब पढ़ोगे हाँ, समझ में आया, लेकिन जब तक आप उनको गहराई से देखोगे नहीं ना, तब तक वो कनेक्शन नहीं बन पाए। तो सबके लिए, एनी जूनियर, एनी कोई भी ऐसा इंसान जो बिल्कुल जीरो से शुरू कर रहा है, एकदम छोटे बच्चे वाला दिमाग रखना, क्यूरियोसिटी से भर के रखना अपना दिमाग, ठीक है ना। तो देखना धीरे धीरे ना आपको ये चीजें इजी पड़ेंगी, समझ में आएगा और बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा, गहराई आएगी। ये है पहला रिक्वायरमेंट अगर आपको प्रिडिक्टिव एस्ट्रोलॉजी में जाना है, कहाँ पे आपको आसमान में कहाँ पर क्या नक्षत्र है, कहाँ पर कौन सी राशि है, कौन सा प्लैनेट किस एंगल में है। दूसरा रिक्वायरमेंट है गायत्री का जाप। इसके पहले भी मैंने बोला था, गायत्री मंत्र के बिना एस्ट्रोलॉजी अधूरा है, ठीक है। आप 5 साल 6 साल लगातार पढ़ते रहेंगे, सब कुछ समझेंगे, तब तब तो अच्छा ऐसा ऐसा होता है, लॉजिक अच्छा ये है, लेकिन जब तक आप गायत्री नहीं, गायत्री को आत्मसात नहीं करेंगे या गायत्री मंत्र को जाप नहीं करेंगे, तब तक आपको वो इंट्यूशन नहीं आएगा बोलने का, कि सब कुछ मिला के कैसे बोलते हैं, ठीक है। जिन लोगों का यज्ञोपवीत होता है, मतलब जनेऊ संस्कार होता है, जो ब्राह्मण्स होते हैं, उनको नेचुरली करना होता है, इसलिए सबसे पहले कहा गया है कि वेदों का और ज्योतिष का अध्ययन ब्राह्मणों का सबसे पहला अधिकार, बिकॉज उनका जनेऊ संस्कार हो जाता है।
दूसरा अधिकार क्षत्रियों का है, क्योंकि उनको युद्ध के अलावा धर्मशास्त्र भी पढ़ना होता है और उनका भी यज्ञोपवीत होता है। ठीक है, इस तरह से यज्ञोपवीत जिन लोगों का नहीं भी हुआ है, ठीक है, वो लोग, मैंने पहले ही बोला है कई काफी बार कि आप लोग हरिद्वार में गायत्री महापरिवार है उनके पास जाकर अपनी अंदर की व्यक्तता को बोले कि मैं भी इंटरेस्टेड हूँ कि गायत्री मंत्र का की साधना करूँ। तो वहां जाकर एक बार जरूर गायत्री मंत्र का की दीक्षा लें। दीक्षा के बिना अगर आप करेंगे ना तो फायदा आपको 50% मिलेगा, और दीक्षा लेने के बाद करेंगे ना तो 100 क्या 1000 भी आ जाएगा। गायत्री मंत्र का ये फर्क है, अगर आप किसी के थ्रू लेते हैं जिन लोगों ने उस मंत्र को सिद्ध किया हुआ है, तो आपका जो मंत्र से जो शक्ति का जो ग्रहण करेंगे ना आप, वो बहुत फास्ट होगा, मतलब 10x स्पीड से, 10 गुना स्पीड से। ठीक है, ये सेकेंड रिक्वायरमेंट है। अब जो थर्ड रिक्वायरमेंट है, वो थर्ड रिक्वायरमेंट क्या है कि आपके पास एक बेसिक किताब एस्ट्रोलॉजी की होनी चाहिए, बहुत बेसिक और बहुत सिंपल तरीके से जहां पर समझाया जाए। ठीक है, लास्ट टाइम मैंने एक ये शेयर किया था, मैं स्क्रीन शेयर कर लेता हूँ, ये देखो, ये जो है ये एक ऐसा लिस्ट है, इस लिस्ट को हर एक बिगनर के घर पे नहीं बोलूंगा, डेस्क पे होना चाहिए या स्क्रीन पे होना चाहिए। ठीक है, आप सिर्फ लिखेंगे कुंडली के भाव या घर, आप नेट पे लिखिए, मतलब गूगल पे कुंडली के भाव या घर, ये वाला शीट होना चाहिए। ठीक है, इस शीट के अनुसार हम थोड़ा थोड़ा एक मोटा मोटा, लास्ट क्लास में भी बताया था, इस क्लास में भी थोड़ा सा बता देता हूँ कि प्रथम द्वितीय तृतीय भावों से हम क्या क्या समझते हैं और किसको कनेक्ट करते हैं। ठीक है, ये तो कई लोगों का क्लियर भी होगा और कई लोग थोड़ा सा उसको समझ लें बेसिक से। प्रथम भाव आपको कहता है आपका शरीर, ये जो दिखता है, जो मटेरियलिस्टिक तरीके से बाहर एक आकृति में शेप में दिखता है, वो है शरीर, वो है पहला घर। ठीक है, दूसरा घर आपके कुटुंब, यानी आप किसका, मतलब किस जेनेटिक कोड से आए हैं, कुटुंब, आपके घर वाले, घर परिवार। सर ठीक है, थोड़ा बड़ा, थोड़ा लार्ज कर दीजिए इसका फॉन्ट। फॉन्ट, ये तो इमेज है मैडम, ये लार्ज नहीं होगा, ये आप लोगों को वैसे मिल जाएगा, जी इसमें इसमें थोड़ा सा विजिबल कमी होगा, थोड़ा सा साफ नहीं है ये वाला इमेज। ठीक है, जी 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 सेम इमेज आपको और भी बेटर वाला मिल जाएगा नेट पे, गूगल में है ऐसा। ठीक है, तो इसमें दूसरा घर हो गया अपने परिवार, सपरिवार वालों का। ठीक है, तीसरा घर हो गया आपके छोटे भाई बहन का, क्योंकि आगे का जो होता है, अगर परिवार में छोटे भाई बहन है तो उनका देखभाल करना ये आपकी जिम्मेदारी है। पूरे कुंडली के अंदर सबसे पहला भाव ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, पहला भाव में अगर दम नहीं तो पूरी कुंडली जो है वो दमलेस है, मतलब उसके अंदर कुछ है ही नहीं, यानी लग्न जो है वो स्ट्रांग होना जरूरी है, या तो लग्नेश लग्न में बैठा रहे, लग्नेश की दृष्टि वहां पड़ी रहे, या कि किसी ऐसे शुभ ग्रह की दृष्टि हो, या कोई शुभ ग्रह वहां बैठा हो, या कोई पाप ग्रह भी बैठा हो, लग्न भाव खाली नहीं होना चाहिए। ठीक है, इस बात का हमेशा ध्यान रखिएगा, अगर किसी की कुंडली में लगन किसी भी तरह से किसी ग्रह से दृष्ट नहीं है, वहां पर कोई स्थान नहीं है, कोई भी ग्रह बैठा हुआ नहीं है, तो सबसे बड़ा बेड़ा गर्ग है कि उस लगन को पावर देना ही है, बहुत जीरो से, मतलब उस लगन का, उस कुंडली का जो वो चार्ट का जो बल है ना, वो एकदम ग्रह रहते हुए भी उतना ज्यादा वो फलित नहीं, इसलिए लगन सबसे नंबर वन है और वही है पावर हाउस, सबसे बड़ा, सबसे पहला पावर हाउस। ठीक है, सेकंड पावर हाउस जो होता है वो होता है चंद्रमा। ठीक है, आपकी कुंडली में चंद्रमा किस भाव में स्थित है, किस स्थिति में स्थित, वो सेकंड पावर हाउस है। वो सेकंड पावर हाउस क्या है, वो आपका मन है, मन का कारक चंद्रमा कहा गया। ठीक है, वहां से किस टाइप का पावर मिलेगा आपको, साइकोलॉजिकल पावर। पहला घर आपको फिजिकल पावर देगा, इस शरीर का की शक्ति को देगा, दूसरा घर आपके मन की शक्ति को देगा, यानी आपका साइकोलॉजी, आप कितने इमोशनल हैं, कितने डाउन टू अर्थ हैं, कितने प्रैक्टिकल हैं। तीसरा जो पावरफुल पावर हाउस जिसको कहा जाता है, वो है सूर्य का पोजिशन, सूर्य कहाँ बैठा हुआ, सन, सन इज योर आत्मा, आत्मा की शक्ति।
इन तीन शक्तियों को जब हम मिलाते हैं तब जाके कुंडली का बल बढ़ता है। अगर इन तीन शक्तियों में किसी भी तरह से कहीं भी कनेक्शन नहीं है, तीनों बिखरी पड़ी हैं, तो उस व्यक्ति का लाइफ भी बिखरा हुआ आपको दिखेगा। ठीक है, इन तीनों में से किसी एक का भी बल मिल गया तो एक बल से भी इंसान आगे बढ़ सकता है, लेकिन तीनों में से किसी का बल नहीं मिला तो खत्म कहानी, वो आदमी कभी ऊपर उठ नहीं सकता। उसको एक ही चीज उठा सकती है, जहां पर वो अपने मन को बलवान बनाएगा। तो मन के बलवान होने पे क्या होगा, हम भक्ति भगवान ईश्वर पे भरोसा करेंगे, उसके बाद धीरे धीरे आत्मा का बल बढ़ेगा, उसके बाद फिर शरीर का बल बढ़ेगा। तो तीसरे भाव से हम देखते हैं अपने छोटे भाई बहनों का, इसमें और भी बहुत सारे एस्पेक्ट्स हैं, बट हम पहले परिवारजनों के साथ पे इनको इसको जोड़ लेते हैं। ये हमारा अस्तित्व जिन लोगों के साथ है वो कैसा है। चौथा भाव आता है माता के सुख का, मदर। पांचवा भाव होता है संतान। छठा भाव होता है आपके शत्रु। ठीक है, बीमारियां और शत्रु, क्योंकि शरीर है तो बीमारी भी है, और शत्रुता जो है वो आपके किसी भी काम को रोकने के लिए या आपके जान का भी कई बार शत्रु बन जाते हैं लोग। सातवां घर है आपके विवाह का। सप्तम भाव आपका ऑपोजिशन, बिल्कुल आपकी इतना ही पावर वो रखता है। ठीक है, और वो आपके ऑपोजिशन इसलिए होता है कि वो व्यक्ति सातवें घर में जो भी व्यक्ति आपका आएगा वो आपकी क्षमताओं की परीक्षा करता है, परीक्षा लेता है। ठीक है, सातवें घर वाला व्यक्ति हमेशा आपके क्षमताओं की परीक्षा लेता है और क्षमताओं को बढ़ाता भी है, उसके अंदर वो शक्ति होती है, इसलिए उसे कहा जाता है बराबर का। अगर किसी का सातवां घर बराबर का नहीं है, बराबर का बलि नहीं है, सातवें घर का स्वामी भी बलि नहीं है, तो व्यक्ति को का जो वैवाहिक जीवन बहुत अच्छा नहीं रहेगा, और अक्सर जो है ना व्यक्ति अपने आप को अधूरा महसूस करेगा कि कहीं ना कहीं किसी चीज की कमी कमी वाला खलने वाला लगे। आठवां घर किस चीज का है, वैसे कहा गया है इसको मृत्यु का। ठीक है, लेकिन आयु का भी, यानी इस व्यक्ति की आयु कितनी लंबी होने वाली है। नवा घर हो गया पिता का, जहां से हम आए हैं, जो हमारा मूल कारण है। दसवां घर हो गया आपके कर्म का, प्लस पिता के फैमिली का भी वहां से भी जुड़ाव बनता है, लेकिन यहाँ पर दसवां घर पर्टिकुलरली हम पहले भाव से काउंट करेंगे, तो आपके कर्म का, हर तरह का कर्म, सिर्फ ऐसा नहीं कि प्रोफेशन को ही देख रहे हैं, एनी कर्म जो आपके दिमाग के अंदर सोच आती है वो भी एक कर्म में आता है। ठीक है, वो भी एक कर्म में आता है। ग्यारहवां घर किसका होता है, बड़े भाई का, अपने परिवार में बड़े भाइयों का और मित्रों का। ठीक है, दोस्तों का और बड़े भाई का या बड़ी बहन का भी। ठीक है, अपने से उम्र में जितने भी सहोदर हैं, पिता के द्वारा जो उनके बच्चे हैं, और हमारे ही जो उम्र से बड़े लोग हैं, सहोदर मतलब कि एक ही माँ के संतान, वो सारा जो हम एकादश भाव 11th हाउस से देखेंगे। और द्वादश भाव किस चीज का है, द्वादश भाव जो है आपके मोक्ष का है, आपके शयन का है। द्वादश भाव जो है वो अंतिम चरण है जहां से आप इस शरीर को छोड़ते हैं, 12वां घर। ठीक है, 12वां घर जहां से आप अपने शरीर को छोड़ते हैं।